नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये न्यू हॉलैंड 3630 प्लस ट्रैक्टर है, अंग्रेज का ट्रैक्टर है, ये अंग्रेज ग्रुप का ट्रैक्टर है और ये काफ़ी अच्छा मॉडिफाई कर रखा है। और ये उनके भाई जी हैं जुगराज सिंह, आज इस ट्रैक्टर के बारे में इनसे पता करेंगे। आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं ट्रैक्टर का। इन्होंने काफ़ी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से ट्रैक्टर तैयार कर रखा है। टायर बड़े हैं, साइलेंसर चेंज है, अपना स्टेयरिंग चेंज है, आगे एक नीचे रोड लगा रखी है इन्होंने, जैसे आगे से पीछे तक ट्रैक्टर को कैसे भी खींचो, पीछे झटके लगाओ, ट्रॉली में लगाओ, आगे से खींच लगाओ, ट्रैक्टर बीच में से नहीं हिलेगा। काफ़ी बड़ी हैवी बेल इन्होंने आगे लगा रखी है, अंग्रेज़ के नाम से अपना आगे लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी कुछ एक खास चीज़ लिखी हुई है लैंग्वेज के कारण। और इनके ग्रुप में अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपना किसान आंदोलन में 4 ट्रैक्टर हैं और 4 ट्रैक्टरों में एक में अलग अलग, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। और इनसे बात करते हैं भाई, इसके पीछे राज क्या है और क्या खास बात है, कितना क्या खर्चा लग गया होगा लगभग, आइडिया अगर इनको पता होगा तो इनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार भाई जी, जगराज सिंह जी, आप अपना नाम पता एड्रेस बताओ पहले तो। मेरा नाम जगराज सिंह है, जिला जलंधर, तहसील कोटशाह। अच्छा, और ये अंग्रेज आपके क्या लगते हैं जी? थोड़ा बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, आप साथ में जैसे यहाँ किसान आंदोलन में आए हो अपना, तो आपने जैसे मैंने ट्रैक्टर देखा है, ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल और यूनिक ट्रैक्टर आपने तैयार कर रखा है, इसके पीछे खास बात क्या है भाई? ऐसा आपने ट्रैक्टर किस लिए तैयार कर रखा है? इतना मेन तो यही है, बात तो सर कुछ नहीं, शौक है। अच्छा 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 अच्छा, ट्रैक्टरों को सजाने का, ठीक है, उसे अच्छा बनाने का। नहीं देखो जी, किसान के लिए तो यही जान है, यही शान है किसान की, तो उसमें तो जैसे अपना ट्रैक्टर जितना सुंदर लगेगा बंदे का, खुद का भी मन खुश होता है। इसमें आपने जैसे ट्रैक्टर के अंदर मॉडिफिकेशन कर रखा है बहुत सारा भाई, जैसे आपके ग्रुप में 4 ट्रैक्टर है, एक और ट्रैक्टर साइड में खड़ा, उसका स्टेयरिंग भी अलग है, एक में साइलेंसर आपने अलग डाल दिया, तो मतलब हर ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ अलग कर रखा है आपने, तो थोड़ा इस ट्रैक्टर के बारे में बताओ भाई। जैसे पहले हम स्टार्टिंग इस ट्रैक्टर से करते हैं, तो आपने जैसे ये व्हील वगैरह डलवा रखे हैं आगे, ये 19 इंची टायर के साथ में, ये स्पेसर वगैरह लगवा के प्रॉपर तरीके से, कितना खर्चा आ गया होगा आपका इस ट्रैक्टर पे? मतलब जैसे इस व्हील में, दोनों व्हील डलवाने में, दोनों नए टायर डलवाने में सर 40-45 के करीब आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब टोटल 40-45, दोनों टायर नए टायर सब कुछ सब कुछ। और जैसे आपने साइलेंसर भी जो है, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से आपके दिमाग में आया, जो कि बहुत भारी साइलेंसर लगा रखे हैं आपने, बहुत चौड़ा, ऊपर सेफ्टी भी लगा रखी है, तो ये साइलेंसर एक तो मिला कहाँ से आपने और ये देखा कहाँ पर आपने? हम दिल्ली में ही आए थे। अच्छा अच्छा, पुरानी ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ, उधर हमारी निगाह पड़ी इसमें, ये सीएनएच का ही ओरिजिनल सेंसर है। अच्छा, सीएनएच का ही ओरिजिनल साइलेंसर है, ये किस चीज में यूज होता है आपको ध्यान हो तो? सर शायद जनरेटर में होगा, किसी ट्रैक्टर में तो हमने देखा नहीं अब तक। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे देखने में तो काफी भारी साइलेंसर है और आवाज भी अलग मजा आता होगा आवाज में भी। नहीं वो तो खैर टॉर्चर एरो कंपटीशन में देखा चला था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो आपने ये वहाँ से खरीदा, कितने का मिला होगा ध्यान होता आपका? ये उधर से सारे मिला था 7,000 का। 7,000 का एक साइलेंसर मिला आपने? नहीं देखो, पूरे टॉर्चर का इसमें किसान आंदोलन में घूमो तो ये वाला साइलेंसर कहीं नहीं देखने, मेरे को भी एक बार पहली बार ही देखने को मिला ऐसा साइलेंसर। और क्या क्या आपने जैसे ट्रैक्टर के अंदर मॉडिफाई करवाया अपने अंदर, जैसे आपने ये स्टेयरिंग रोड चेंज कर दी अपने? हाँ जी, हाँ जी, ये चेन वाला स्टेयरिंग लगा रखे हैं आपने, ये कितने रुपए का आ जाता है लगभग, आइडिया ध्यान होता आपको? ये सर 3,000 के लगभग आता है। अच्छा, 3,000 रुपए के लगभग आ जाता है। मजबूत होता, कोई टूटने फूटने कोई डर नहीं? टूटने का तो कोई बात नहीं इसका। अच्छा अच्छा, निकल वगैरह किया होता। आपने ये यहाँ पे अपना फ्लैग बनवा रखे अपने? इनके पीछे क्या राज है? इनके पीछे राज तो कोई ना, जो मेन एक रेंज नाम है ना, हाँ हाँ, हमारा छोटा भाई है। अच्छा, वो बाहर है यूएसए में। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, उसी की यादों में सारा आपने सब कुछ तैयार कर रखा है? वो हमसे भी ज्यादा शौक था ट्रैक्टर का। अच्छा, तो वो देखो काम के लिए काम हमने होली होली पूरा करना शुरू किया। ठीक ठीक ठीक, धीरे धीरे करके आपने उसके हिसाब से नाम तो लगाया, फिर जैसे जैसे मेले लगाते गए वो नाम बढ़ता गया। नहीं वो तो है, खैर आपने इंडिकेटर वगैरह भी चेंज कर दिए ट्रैक्टर के। अच्छा अच्छा, और वेट वगैरह ये तो नॉर्मल अपना जो सिंपल वेट आते हैं वो लगा रखे हैं हम। खैर इसमें भी वेट भी अलग डिजाइन का है वैसे देखा जाए तो। ये आपने हर चीज़ है ना थोड़ी ट्रैक्टर के अंदर यूनिक यूनिक, छोटी 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 यूनिक चीज़ें लगा रखी हैं ट्रैक्टर के अंदर। हाँ, थोड़ा उसी को जैसे ट्रैक्टर को ना ये अपना अट्रैक्ट करता है, जैसे पीछे आपने अपना ये हॉलैंड का लगा दिया, TV T190 का पोस्टर लगा दिया साथ में, और कुछ ये टंकी किस चीज़ के लिए है अपना? ये सर वाटर टैंक है। अच्छा, पानी टंकी है। जब हैरो में ट्रैक्टर चलाते हैं, हाँ हाँ, उड़ने के लिए फिर वो रखा हुआ टंकी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसका अपना एक काम है, अच्छी लगती है ना। ठीक ठीक है, अपना काफ़ी बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगवाया आपने, एक बार चला के दिखाओगे म्यूजिक सिस्टम? एक मिनट, दिन दिन
एक बार स्टार्ट भी कर दो अगर हो जाए तो, स्टार्ट में ही है ना, बैटरी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, साइलेंसर की आवाज़ सुन लेंगे। ये देख लो आवाज, सुन लो आवाज, रेस दिए बंद करियो, रेस दे कर थोड़ी। आवाज है भाई, टर्बो भी लगवा रखे ना, म्यूजिक की आवाज सुनाते हैं आपको। कर दो बंद, कर दो ट्रैक्टर बंद करो। तब तक मैं आपको ना आगे बम्पर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई बम्पर, ये अंग्रेज के लोगों के साथ में बम्पर लगवा रखा है इन्होंने, आगे लोगों है, और बहुत मोटी प्लेट का बम्पर है भाई। देखो फ्लैग वगैरह लगाने के लिए, और साइड में देखो काफ़ी हैवी बम्पर बनवा रखा है। भाई साहब है कन्ना डीजे है, बिल्कुल डीजे एकदम, मतलब ये चलाने के बाद तो ट्रैक्टर की तो आवाज़ कहीं से ही नहीं सुनती होगी। इतनी करते नहीं ना आवाज़, नहीं नहीं वो तो एक मतलब फुल आवाज़ करते ट्रैक्टर की, तो कहीं से भी आवाज़ नहीं सुनती होगी किसी भी तरीके से भी। आप ये बम्पर के बारे में बताओ थोड़ा, आपने इतना हैवी क्यों बनवाया बम्पर ये आगे से, जो कि काफ़ी मोटी चादर लगवा रखी है आपने भाई। ट्रैक्टर शौक में ही आता है, और इसका ये कई फायदा ना, टूटता नहीं आगे से। हाँ खैर वो भी है, डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक ठीक, और ये बेल अपना जैसे काम आ जाती है कभी? हाँ टूचन टूचन में काम आती है, और देखने के लिए अच्छी लगती है। किसान आंदोलन में काम आई? अभी तो नहीं आई। चलो कोई नहीं, हम तो ये कहते हैं भगवान की दया से आगे काम ना आए तो ठीक है, क्योंकि शांति से जो काम नहीं खत्म हो जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। सही बात है। आपने जैसे ये पीछे से आगे तक एक रोड लगवा रखी है पूरे ट्रैक्टर में। हाँ जी, काफी बड़ी भारी हैवी लोड लगवा रखी, रोड लगवा रखी पूरे ट्रैक्टर में है ये। ये दिखा देता हूँ भाई, ये देखो आगे से पूरा पीछे तक है, और पीछे हुक में जाके ये वेल्ड हो जाती है वहाँ पे, और साथ में लाइट भी लगवा रखी है वो अपने चश्मे धोने वाले अलग से अलग अलग। इस रोड का कारण क्या है? इसका ये कारण है कहीं कुछ मुझे जीसीबी वगैरह डालनी पड़ जाए। हाँ हाँ, ट्रैक्टर का कोई नुकसान नहीं हो। अच्छा अच्छा, हाँ। जैसे भाई ट्रैक्टर को पीछे जोड़ो या आगे जोड़ो, क्रेन से जोड़ो, किसी चाहे बेसक आगे पीछे दोनों तरफ से खींच लो, पर ट्रैक्टर का बीच में से कोई नुकसान नहीं होगा। रोड लगवा रखी है आपने, ठीक ठीक ठीक। अच्छा काफी हैवी लोड में चलाते हो आप इसको, ट्रॉली वगैरह में ज्यादा? अच्छा नहीं, देखो जमींदार है भाई उसके हिसाब से।